हेलो गाइस, महाभारत के ऊपर एक फिल्म आ रही है डिज्नी की, जिसका बजट होने वाला है 700 से 800 करोड़। और कहा जाता है कि इस मूवी में इंडिया के सारे बिग स्टार्स जो है वो होने वाले हैं। लेकिन क्या सच में 3 घंटा इम्पोर्टेंट है, 3 घंटा कैपेबल है महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों को बनाने के लिए? मतलब भाई, आप लोग खुद सोचिए, वो एक इतना बड़ा ग्रंथ है कि वो 3 घंटे क्या इंसान की पूरी लाइफ भी निकल जाए तो भी आप उसको प्रॉपरली समझ नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक एक कैरेक्टर है जिसकी अपनी एक बैक स्टोरी है, जहाँ पे कोई बुरा नहीं कोई अच्छा नहीं, लेकिन हमको सब कुछ सिखा के जाती है कि जिंदगी में इंसान ने कैसा जीना चाहिए और कैसा रहना चाहिए। मतलब वो मैं मानता ही नहीं यार कि महाभारत एक ग्रंथ है, वो मैं बोलता हूँ कि वो एक लाइफ जर्नी है इंसान की। वो इंसान को इतना सब कुछ सिखा के जाती है कि आप मतलब अनबिलीवेबल है यार, अनबिलीवेबल है। उसकी जो भी हिस्ट्री है, उसमें जो हमको सीखने को मिलता है, वो सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल है। और मैं बचपन से महाभारत पढ़ते आया हूँ, तो मुझे उसके कैरेक्टर्स के बारे में डेप्थ पता है। क्या ये 3 घंटे कैपेबल है वो डेप्थ को कवर करने के लिए? भाई तुम भीष्म पितामह छोड़ो, तुम विदुर को छोड़ो, तुम 3 घंटे में विदुर की स्टोरी भी नहीं दिखा सकते। इतना बड़ा स्ट्रांग कैरेक्टर है वो विदुर, मतलब तुम सारे कैरेक्टर को 3 घंटे में कैसे दिखाओगे? ये बहुत बड़ा टास्क होगा। और मैं सच में ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग सोचते हो 3 घंटे में महाभारत खत्म हो सकती है? चलो महाभारत छोड़ दो, क्या 3 घंटे में किसी एक कैरेक्टर के बारे में आप प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट दे सकते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो और ऊपर से आपके पास स्टोरी रेडी है, आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में इतनी बड़ी स्टोरी आई डोंट थिंक सो कोई राइटर अब तक लिख पाया है, या फिर कोई राइटर यहाँ तक पहुँच पाया है कि महाभारत को टक्कर दे सके। और वो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि वो भाई मतलब हिस्ट्री है, वो अपनी हिस्ट्री है, उसको कोई भी टच भी नहीं कर सकता, कोई राइटर भी नहीं उतना तक टच कर सकता। और आप लोग सोच रहे हो कि सच में यार 3 घंटे में, आई डोंट थिंक सो यार ये कि एक वेल डिसीजन होगा महाभारत के ऊपर मूवी बनाने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि महाभारत के ऊपर सीरीज बने, उसके कैरेक्टर की स्पिन ऑफ सीरीज बने, हर एक कैरेक्टर को डेप्थ में दिखाया जाए। एक 3 घंटे की मूवी जस्टिफाइड नहीं कर सकती यार कि महाभारत क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में है। आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये टक्कर देगी उन मूवीज को जो आज इंडिया में है, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा बजट किया है? क्या ये मूवी उससे सक्सेसफुल होगी और क्या ये मूवी जस्टिस करेगी? आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार, और जो भी सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी मन की बात, क्योंकि ऑब्वियसली ये मूवी किसी एक की नहीं है, ये हम सब की मूवी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। सॉरी थोड़ा सा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि अभी नहीं है ठीक चल रहा, तो वॉइस ऐसे ही आएगा आपको, मेरे को नहीं पता आप लोगों को वॉइस प्रॉपर आता है मेरा नहीं आता है, बट फिर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो आप रिस्पॉन्स दिखाते हो वो बहुत अच्छा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 2K तक पहुँचने वाले हैं। थैंक यू गाइज एंड लव यू।